हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट लुकिंग अराउंड, ठीक है, चैप्टर नंबर 16, अ बिजी मंथ। लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 121 पर एक्सप्लेन किया था, तो आज हम पेज नंबर 122 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, डव ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस। Often they make nest in old or deserted buildings। जो डव होता है वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाएगा? ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग्स पर, यानी पुरानी, जहाँ पे कोई रहता नहीं हो वहाँ पे वो अपना नेस्ट बनाता है। The barbet or coppersmith bird can be heard in the summer with its tuck 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 कॉल, ठीक है। जो बारबेट और कॉपरस्मिथ बर्ड होता है उनकी आवाज़ हमें कब सुनाई देती है? समर में, यानी कि गर्मी में। गर्मी में उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, जैसे कि टुक टुक टुक। ओके, इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ हॉल। वो अपने नेस्ट बनाने के लिए हॉल बनाता है, तो कहाँ पे बनाता है? इन अ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक पे वो हॉल बनाता है नेस्ट के लिए। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बश। जो टेलर बर्ड होता है वो अपना नेस्ट बनाने के लिए टू लीव्स यानी पत्ते लेता है, दो पत्तों को। शार्प बीक टू स्टिच यानी अपनी बीक से, उसकी बीक है, उसकी चोंच है, वो कैसी होगी? शार्प होगी। शार्प यानी नीडल टाइप, नीडल टाइप उसकी बीक होती है, तो वो उससे दो पत्तों को एक दूसरे के साथ स्टिच कर देता है। इट लेस इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड। जो उसने अपना नेस्ट बनाए है उनको फोल्ड कर देता है और उसके उसके अंदर अपने अंडे रख देता है। दिस इज इट्स नेस्ट। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बश। जो सनबर्ड होता है वो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाएगा? तो हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच, ब्रांच यानी पेड़ की डाली। जो स्मॉल ट्रीज यानी छोटी छोटी ट्री होती है ना, उस पर वो अपनी, उसकी डाली पर वो अपना नेस्ट बनाता है। देखो पिक्चर में आपको दिखाया है, सनबर्ड है और उसका नेस्ट है। जो कहाँ पे है? जो स्मॉल ट्री होती है उसकी डाली होती है, ब्रांच होती है ना, उस पर वो उसका नेस्ट है, वो लटकता है। हैंग्स यानी लटकना। द सेम इवनिंग वी सॉ सनबर्ड्स नेस्ट। कैन यू गैस वॉट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ। क्या आप जान पाएंगे कि उसने अपना नेस्ट किन किन चीज़ों से बनाया है? तो चलो जानते हैं, ठीक है। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थीन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लॉथ रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स। तो वो अपना नेस्ट बनाने के लिए हेयर यानी बाल, ग्रास यानी घास, थीन ट्विंग्स, थीन ट्विंग्स यानी जो छोटी छोटी पतली पतली, ट्विंग्स यानी डालियाँ होती है ना वो, ड्राई लीव्स यानी सूखे पत्ते, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, बिट्स ऑफ ट्री बार्क यानी जो पेड़ होती है, पेड़ उसकी, उसके पहले ऊपर की परत होती है ना वो, पीसीस ऑफ क्लॉथ रैग्स, क्लॉथ रैग्स यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना कपड़े के वो, एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स, स्पाइडर्स कॉबवेब्स यानी जो स्पाइडर के जाले होते हैं ना वो। तो इन सब सारी चीज़ों को मिला के वो अपना नेस्ट बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। When I look through the binocular, ये binocular से कौन देख रहा है? आप सबको पता है, आगे मैंने बोला था कि ये जो चैप्टर है ये हमें लेटर की टाइप पे है, यानी कि यहाँ पे कोई लेटर लिख रहा है, तो गिज्जू भाई करके एक पर्सन है वो लेटर लिख रहे हैं, तो किसको लिख रहे हैं? वो चिल्ड्रंस को लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो बाइनोक्यूलर से देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा? आई कुड सी अ चिक इन द नेस्ट। उन्होंने नेस्ट में एक छोटा सा बच्चा देखा। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है, यहाँ पे है ना छोटा सा बच्चा। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट।
यानी कि जहाँ पे नेस्ट के हमारे घर पे कैसे दरवाजे होते हैं वैसे ही नेस्ट के आगे एक छोटा सा हॉल है, तो वहाँ पे वो बैठा हुआ है। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। वो अपनी मदर का वेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी है, तो वो अपनी मॉम का वेट कर रहा है खाना खाने के लिए। What else can it do? Just eat and sleep. वो क्या करेगा? खाना खा के सो जाएगा। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया है ना। चलो नेक्स्ट देखो सामने की पेज में। All birds are so busy these days. ठीक है, जितने भी बर्ड्स के बारे में हमने यहाँ पे जाना, तो वो सारे बर्ड्स है वो आज के दिन बहुत ही बिजी थे। Making a nest and laying the eggs is only the first step. उनको making a nest यानी माला बनाने की, nest बनाना और अंडे को देना, वो उनका first step होता है। It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much effort. ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जहाँ पे वो अंडे देते हैं और अंडे में से छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है। ये दिन उनके लिए बहुत ही एफर्ट वाले होते हैं। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज। बर्ड्स के भी बहुत सारे एनिमीज यानी दुश्मन होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू। ह्यूमन बींग्स यानी इंसान, अदर एनिमल्स यानी दूसरे प्राणी भी उनके एनिमीज होते हैं। तो वो कौन कौन एनिमीज हैं वो यहाँ पे दिया है, जैसे कि क्रोज एंड स्क्विरल्स, कैट्स एंड रेट्स। क्रोज यानी कौवा एंड स्क्विरल बिल्ली और चूहे। ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। वो लोग उनका वेट लगाकर बैठते हैं कि कब वो अंडे दे और वो अंडे वो चुरा ले। चुरा कर वो क्या करेंगे, उनको खा जाएंगे। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। ज़्यादातर वो अंडे चुराने से पहले वो घर है, बर्ड्स का नेस्ट होता है, उनको वो तोड़ डालते हैं। जो ये उनके एनिमीज होते हैं वो मोस्ट ऑफली उनके अंडे चुरा लेते हैं और उनके घर भी कहीं कहीं कई बार तो उनके घर भी तोड़ डालते हैं, बर्ड्स के घर भी तोड़ डालते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दिस आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। जो जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी होता है, तो फर्स्ट सेफ फ्रॉम डेंजर, यानी कि जो उनके लिए जो भी एनिमीज होगा उनसे उनको बचना पड़ेगा। टू फाइंड फूड, खाने के लिए उनको खाना भी ढूंढना पड़ता है। मेक अ नेस्ट, उनको नेस्ट बनाना पड़ता है। हैच द एग्स यानी कि जो नेस्ट बनाएंगे तो उसमें उनको अंडे देने हैं और अंडे से क्या बाहर निकलेगा, चिक्स। ठीक है, तो जो चिक्स निकलेंगे उनको भी उनको सेफली वहाँ पे रखना है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। ये काम उनके लिए टेस्ट के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। हाउएवर द बर्ड्स स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। बर्ड्स है वो कई बार सिंग विथ जॉय, बहुत ही खुश होकर गाना गाते हैं, एंड स्प्रेड देयर विंग्स यानी अपने पंख फैलाते हैं और आसमान में फ्रीली उड़ जाते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, सलाम, ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिजुबाई। जो ये गिजुबाई, मैंने आपको पहले बोला था ना कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर कौन लिख रहा है, गिजुबाई लिख रहा है। वो किसके लिए, वो किनको लिख रहे हैं, तो वो चिल्ड्रंस को लिख रहे थे। तो यहाँ पे वो चिल्ड्रंस को रिगार्डिंग दे रहे हैं सलाम की तरफ से और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हमें बर्ड्स के बारे में जानने को मिला कि वो किस तरह से अपना नेस्ट बनाते हैं, किस तरह से वो अपने बच्चों को संभालते हैं, किस तरह से वो खाना लाते हैं, वो सब हमने इस चैप्टर में देखा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये बिजी मंथ वाला था वो एक्सप्लेन हो गया। तो ये जो नीचे की क्वेश्चन है वो मैं आपको वर्कबुक में लिखाऊंगी, तो उनमें से देखकर आपको इसमें लिखने होंगे। ठीक है, अभी नहीं, जब मैं आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगी ना तभी आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप सबको इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।